अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम लोग निकल रहे हैं गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड। दोपहर के तकरीबन 3 बज रहे हैं और इस वक्त निकलने का मकसद ये है कि हम लोग ने वहाँ पे सनसेट करना है, तो इसलिए ये टाइम रखा आज हमने, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है कराची से। इस वक्त मैं शाहरा फैसल पे मौजूद हूँ एम्बेसी इन के पास, और यहाँ से भी हम लोग निकल रहे हैं। मैं हूँ और मेरे साथ एक दोस्त हैं मेरे मुनीब भाई, बस हम दो लोग हैं। और इस राइड का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है सनसेट कैप्चर करना है। गडानी बीच पे सनसेट काफ़ी अच्छा होता है, और अगर बीचेस की बात की जाए बिटवीन कराची एंड बलूचिस्तान जो करीब करीब के बीच हैं, तो उनमें गडानी बीच बहुत ही खूबसूरत बीच है। तो बता दें इंशाल्लाह गडानी बीच के लिए निकलें, सनसेट कैप्चर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा वहाँ पे सनसेट होता है। अब इंशाल्लाह आपसे गडानी बीच पर ही मुलाकात होगी, क्योंकि रास्ते में तो कुछ भी नहीं है अभी, सिर्फ रोड ही रोड है। तो मिलते हैं गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर। अच्छा जी, रास्ते में एक अपडेट थी कि अभी ये जो आप रोड देख रहे हैं ये हब सिटी का बाईपास है। हम लोग हब सिटी से अंदर से नहीं जा रहे, ये बाईपास से जा रहे हैं। ये अभी खुल गया है ये, तो अभी यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि हब सिटी को क्रॉस करने के लिए ट्रैफिक होता है सिटी के अंदर। तो अभी ये नया इन्होंने बाईपास बना दिया है, तो अब आप हब सिटी को ईजीली आप क्रॉस कर सकते हैं। तो अभी फर्स्ट टाइम मैं इस बाईपास के ऊपर आया हूँ, तो देखते हैं ये अभी आगे कहाँ से बाहर निकलता है। चलें जी, ऑलमोस्ट एंड पर है बाईपास, और ये बाईपास यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब हम वापस इस पर आर सी डी हाईवे पे यहाँ से चढ़ने लगे हैं। लेफ्ट पे कोयटा जा रहा है आर सी डी हाईवे, राइट पे शहर, ये बाईपास ख़त्म हो गया है। अच्छा रहा, सुकून से बाहर आ गए, अब शहर में एंटर नहीं होना पड़ा हमें। अच्छा खासा बाहर निकाला है, अब शहर से अच्छा खासा बाहर निकाल के इन्होंने बाईपास को ख़त्म किया है। अच्छा रहा, बहरहाल गुड है। चलते हैं अभी आगे, शिप ब्रेकिंग यार्ड का मोड़ भी आने वाला है आगे। गडानी का मोड़ आएगा पहले, फिर शिप ब्रेकिंग आएगा। अच्छा जी, गडानी मोड़ आ गया है। अच्छा जी, आगे चौक आ रहा है, और बस अभी चौक से हम लेफ्ट लेंगे गडानी शिप ब्रेकिंग के लिए। जहाँ से राइट पे हो जाएं तो हम गडानी बीच के लिए जा सकते हैं। आज रश भी काफ़ी है, ऑलमोस्ट सभी गडानी बीच पे ही जा रहे हैं। ये रास्ता गडानी बीच पे जाता है, हम लोग शिप ब्रेकिंग की साइड जाएंगे। उम्मीद है वहाँ पे इतना रश नहीं होगा। ये जी ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हम लोग शिप ब्रेकिंग यार्ड पे। मेन पॉइंट है शिप ब्रेकिंग यार्ड का, जहाँ पे लोग आते हैं, ये है वो पॉइंट। चलो बाइक देखते हैं साहिल पे ले जा सकेंगे तो ले जाएंगे, वरना ऊपर ही खड़ी कर देंगे। रश तो यहाँ पर भी है आज अच्छा खासा, रश तो है। इतवार है, ज़ाहिर इतवार को रश तो होगा। मैंने वीडियोस बनानी थी, कुछ रिव्यूज़ बनाने थे, लगता है नहीं बना पाएंगे। बराबर है ना? कितने पैसे?
50 रुपये एंट्री, ये वही 50 रुपये एंट्री है बाइक की यहाँ पे घड़ानी पे। चलो ये भी नया सीन है, पहले नहीं था, मेरे ख्याल से इतवार की वजह से शायद, पहले मैं इतवार को कभी यहाँ आया नहीं, इतवार की वजह से शायद इन्होंने सिस्टम रखा है पार्किंग का, या हो सकता है प्रॉपर कर दिया हो पार्किंग का सिस्टम, क्या कह सकते हैं। देखना ये है कि हम किस पॉइंट पे जाएं। ये रहा सामने गडानी का बीच, पहाड़ के ऊपर ही जाते हैं। ये भाई गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड और गडानी का बीच, यहाँ बाइक बैठेंगे सनसेट करेंगे। तो दोस्तों ये हम पहुँच चुके हैं इस वक्त गडानी बीच पे, ये शिप ब्रेकिंग यार्ड वाली साइड है, और तकरीबन 1.5 घंटा लगा हमें यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि कराची से 3 बजे निकले थे, और बीच में ये कि हब बाईपास भी बन गया है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी आसानी रही, ईजीली यहाँ तक पहुँच गए। और बस अभी यहाँ पे तकरीबन अभी 4:30 बजे, तो 1.5-2 घंटा है सनसेट होने में, सनसेट देखेंगे यहाँ पे और उसके बाद वापसी करेंगे। ये यहाँ का व्यूज़ है, ज़रा चेक करें आप, सूरज अभी ऊपर है, नीचे आने वाला है। ये शिप ब्रेकिंग यार्ड वाली साइड है, ऊपर से भी थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ मैं कि ये किस तरीके का है, और हमारी बाइक्स भी ऊपर ही पार्क हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। एक छोटा सा पहाड़ ये, और ये होल्स बने हुए हैं, यहाँ से जब प्रेशर होता है पानी का तो ये प्रेशर से बाहर आता है पानी। अच्छा जी, ये हमारी बाइक्स कैमरे में छोटी सी सामने दिख रही हैं, खड़ी हुई हैं, ये बैक साइड है इसकी, वो सामने दूर जहाँ दो ब्रिजेस टाइप के नज़र आ रहे हैं लोहे के, वहीं पर ही शिप ब्रेकिंग यार्ड है ये पूरा, यहाँ पे वो टूटते हैं जहाज़ टूटते हैं, और फिर उनकी जो चादरें हैं वो काम में ली जाती हैं मुख्तलिफ काम के अंदर, क्योंकि बहुत मोटी चादर होती है लोहे की। तो ये सीन है यहाँ का। ये मार्बल टाइप पत्थर है इसके अंदर, ये देखें सारा मार्बल टाइप का चीज़ है। ये पॉइंट अच्छा है, बीच में पानी अंदर आ रहा है बहता हुआ, अभी देखता हूँ कोई जगह देखते हैं वहाँ पे बैठ के, टाइम लैप्स पे लगाता हूँ इसको सनसेट के लिए, और इस व्यू को हम भी एंजॉय करते हैं आप भी एंजॉय करें। तो ये थी आज की एक हमारी छोटी सी राइड कराची से गडानी के लिए, सनसेट व्यू या अगर नहाना है तो बीच वाली साइड ज़्यादा अच्छी है नहाने के लिए, वहाँ लोकेशन और अच्छी हैं, क्योंकि ट्रैकिंग है वहाँ थोड़ी पहाड़ के अंदर, और वहाँ भी अच्छी अच्छी लोकेशन है। तो लेकिन गडानी बीच इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ रश बहुत ज़्यादा, संडे है आज तो रश बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर, तो इसीलिए आज हमने शिप ब्रेकिंग यार्ड वाली साइड को चूज़ किया, ताकि यहाँ पे रश कम होगा तो सुकून से बैठ के वीडियोज़ बना के फिर निकल लेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।